सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने हमेशा से एक ही बात कही है कि आप एक्साइटेड रहिए। ये जो नवंबर का महीना है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक और बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल महीना है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। अभी हम सब लोगों को एक बात अच्छी तरीके से पता है कि जब भी यश मुफारे सर आते हैं तो उन्होंने एक बात कही थी, आज से लगभग कई महीनों पहले भी कही थी, और फिलहाल जो है करंट में भी जो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हमेशा उन सारी चीजों के बारे में अपडेट दूंगा जो सारी की सारी जो चीजें हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, उनके बारे में कभी भी अपडेट आपको नहीं मिलेगी, जो कि हमेशा जो फ्यूचर में होने वाली है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में अपडेट आप नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां पर अभी जो हमारा कल को 360 का जो वेबिनार हुआ है, उसमें बहुत सारे चीजों को लेकर के जो हमारे माइंड के अंदर जो सवाल, कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स, इन सारी चीजों को चलते हम परेशान थे, वो सारी की सारी चीजें लगभग लगभग जो है आपकी समाप्त हो चुकी होंगी, खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि वहां पे हर एक चीज का उन्होंने आंसर दिया। यहां पे कल का जो वेबिनार हुआ था, और आपने देखा होगा कि वो दो पार्ट में था। पहली बार जब ये 360 का वेबिनार स्टार्ट हुआ था तो उसको YouTube पर जो है लाइव किया गया। जी हाँ, YouTube पर उसको लाइव किया गया, और जो YouTube पे लाइव हुआ था उसमें एस मुफारे सर नहीं थे, जो कि आज भी अभी आप देख सकते हैं जूली मैडम के चैनल पे एंड विल मस्ट के चैनल पे और भी कई चैनल से आप देख सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें एस मुफारे सर ने हमारा जो ओ कनेक्ट आने वाला है, जो एक नया फीचर्स विद न्यू फीचर्स के साथ आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स उसके अंदर जो है आने वाले हैं, उसको लाइव टेस्ट करने के लिए उन्होंने दूसरा पार्ट जो है किया। जी हाँ, दूसरा पार्ट किया, और उस ओ कनेक्ट पर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी, और वहां पे ओ कनेक्ट को सही तरीके से वहां पे लाइव टेस्ट भी किया, कौन कौन से फीचर्स उसमें ऐड हो चुके हैं, और उनको लाइव टेस्ट करने के बाद में उन्होंने एक एक फंक्शन के बारे में जो बताया। इन सारे फंक्शन को हम लाइव टेस्ट करेंगे, जरूर करेंगे, और हमें सबसे ज्यादा इंतजार है जो हमारा जो एक लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन आने वाला है, जो यूट्यूब पर हम अपने ओ कनेक्ट पर मीटिंग करते हैं और उसको हम डायरेक्टली अपने YouTube पे जो है लाइव कर देते हैं, उस स्ट्रीमिंग का यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन आएगा, वो आने के बाद में बहुत सारी जो चीजें हैं ना, वो और भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे एज ए कस्टमर के रूप में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और वो हमारे ओ कनेक्ट में नहीं आ पाते हैं, और उन्होंने अभी तक अपना ओ मेल भी नहीं बनाया है, तो उन लोगों को हमें अपने वेबिनार में शामिल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और भी होगा इन फ्यूचर, वो होगा यूट्यूब के माध्यम से। यानी कि अगर हम ओ कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं हम यूट्यूब पर लाइव कर देंगे, और हमारे साथ जो भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपने यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाया करेंगे। इससे एक कस्टमर बेस बहुत तेजी से यहां पे फैलेगा, कस्टमर जो आएंगे वो अपने यूट्यूब के बारे में, अपने ओ कनेक्ट के बारे में यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों को यहां पे सीखने लगेंगे और जानने लगेंगे। यहां पे उनके अंदर से एक फीलिंग जो है पैदा हो सकती है कि आखिर ये कौन सा टूल है जो कि इतने बढ़िया और लाजवाब फीचर्स इसके अंदर है। तो कल की जो मीटिंग थी, कल की मीटिंग काफी लाजवाब थी, और कल की मीटिंग के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उन सारी चीजों के बारे में हमारे यश मुफारे सर ने क्लियर कर दिया। जी हाँ, अपने मैंने दूसरे चैनल पे जो है इसके बारे में पूरी अपडेट मैंने दे दी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी लोगों के लिए, जिन लोगों की पहले से ओ कनेक्ट परचेज कर लिए थे, बहुत सारे लोगों की जो ऑलरेडी कस्टमर बेस क्रिएट था पहले से, और उन्होंने भी अपना ओ कनेक्ट पैकेज को परचेज कर लिया था, बाय कर लिया था, उसके बाद उनके कमीशंस वहां पे बन चुके थे, और कमीशंस बनने के बाद में वहां पे उनके जो विड्रॉल जो उन लोगों ने लगाए हुए थे, यहां तक कि उसमें मैं भी शामिल हूं तो मैंने भी विड्रॉल लगाया था, तो कहीं ना कहीं वो विड्रॉल को लेकर के आज बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, और वो सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो कल एस मुफारे सर आए थे तो उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में कह दिया कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर जिन लोगों के भी विड्रॉल रुके हुए हैं वो सारे के सारे विड्रॉल जो है यहां पर जो है क्लियर होते चले जाएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत ही गुड न्यूज है, सबसे फैंटास्टिक न्यूज है हम सब लोगों के लिए। और ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोले एस मुफारे सर? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी था। जी हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि जब भी एस मुफारे सर कुछ भी एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, अगर ये वाली प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं होगी तब तक विड्रॉल कैसे मिल सकता है। सो जो कार्ड पेमेंट को लेकर के हमारी जो समस्या है वो समस्या यहां पर पूरी तरीके से अब दूर होने वाली है, और वो भी परमानेंटली दूर होने वाली है, और इसका
जो समाधान है वो हमारे एस मुफारिस सर ने एंड उनके साथ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उन्होंने एंड इसके अलावा और भी उनकी टीम्स हैं उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर के जो निकाल लिया है, क्योंकि जब तक ये समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक हमारा जो बिजनेस है वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। सो हमारे पास अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अब आने वाले वक्त के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल, जी हाँ, मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर होंगे जो कि अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं क्या 100% जो अलग अलग कंट्री से ही होंगे, क्योंकि एक कंट्री में अगर एक कंट्री का हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है वो काम नहीं कर रहा है तो दूसरे कंट्री का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे एक समस्या जो कि पूरी तरीके से हल हो जाएगी वो है कि हम समय पर अपना पैकेज बाय कर पाएंगे, हम समय पर अपने कस्टमर बना पाएंगे, हम समय पर अपना जो भी कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को पैकेज बाय कराने में उनकी हेल्प कर पाएंगे, और यहाँ पे हर प्रकार के कार्ड का इस्तेमाल भी यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज अभी यहाँ पे आपने देखा कि रुपए वाला जो कार्ड वाला सिस्टम है वो भी आ गया है। जी हाँ, अभी लेकिन उसको अप्लाई तो नहीं किया है, लेकिन अभी वीजा और मास्टर कार्ड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रुपए कार्ड का जो इस्तेमाल होगा वो भी होगा यहाँ पे। और देखिए आने वाले टाइम के अंदर इसको और भी ज्यादा इजी बनाने का काम जरूर किया जाएगा, जिससे कि ये जो बिजनेस है ना, ये भी जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से यहाँ पे इस पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक ये जो हमारा पेमेंट इन पेमेंट आउट और ये इनपुट आउटपुट वाला जो सिस्टम है जब तक ये इजी टू यूज नहीं होता है तब तक कोई भी बिजनेस जो है स्पीड नहीं पकड़ पाता, और स्पीड नहीं पकड़ेगा तो फिर टर्नओवर कहां से आएगा, जब टर्नओवर नहीं होगा तो फिर हमारे पास इनकम कहां से आएगी, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारे कंपनी के पास जो है बैलेंस कैसे पहुंचेगा, टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट कैसे होगा, तो इन कंपनी के प्रॉफिट में जो है फिर हम सब लोगों का प्रॉफिट भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पेमेंट गेटवे से एंड कार्ड पेमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर एंड इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ने पूरा का पूरा जो समाधान निकाल लिया है, और अब हम सब लोग बड़ी आसानी से अपना जो पैकेज है वो बाय कर पाएंगे, और जिन लोगों को पेमेंट की समस्या है वो पेमेंट भी जो है अब आ ही जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर हमारे वॉलेट के अंदर अगर हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर अभी भी है, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 400 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे वो $50 हो, कैसे भी हो, कितने भी हो, तो उसको आप अभी अपना जैसे ही हमारा कार्ड पेमेंट सुचारू रूप से चलने लगे तो आप तुरंत ही अपना विड्रॉल मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा ने एक बार बात कही थी कि पुराने जितने भी विड्रॉल हैं जब तक वो पूरी तरीके से लोगों के पास नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारे जो नए विड्रॉल हैं वो हमारे क्लियर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा, और वेट करना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है जब तक ये सुचारू रूप से न चलने लगे। तो अगर आपका और हम सब लोगों के वॉलेट के अंदर अगर इनकम पड़ी हुई है, जी हाँ, पहले से इनकम अगर पड़ी हुई है तो आप उसको विड्रॉल मत करना, यानी कि विड्रॉल के लिए आप रिक्वेस्ट मत लगाना, जिससे कि जब तक कि हमारा ये जो पेमेंट प्रोसेसर है वो सक्सेसफुली रन ना करने लगे, सही तरीके से रन ना करने लगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है हम सब लोगों के लिए, और यहाँ पे बस यही है। लास्ट में उन्होंने एक बात और कही है हमारे एस मुफारिस सर ने कि आपकी सफलता में ही जो है हमारी खुशी है, हमारी सफलता है, हमारी सक्सेस है, एंड जब तक हम यहाँ पर काम कर रहे हैं हम आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, एंड इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो नए कस्टमर आने वाले हैं वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे, उनके लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एक फ्यूचर है वो पूरी तरीके से राउंड फिगर में अगर हम देखें तो पूरी तरीके से ब्राइट है। अभी जो नवंबर का महीना है, अब इस नवंबर के महीने के लास्ट तक क्या होता है वो हम सब लोगों को बहुत ही जल्दी जो है दिख जाएगा। यहाँ पे एस मुफारिस सर ने एक बात और भी क्लियर की थी कि यहाँ पे जो 90 दिनों की जो बात की जाती है और लोगों के माइंड में जो एक सवाल चलता रहता है कि हमारे 90 दिनों के बाद क्या हुआ क्या नहीं होगा, तो जिन लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शन अपने बाय कर लिए हैं तो उनके 90 दिनों की जो साइकिल है वो चलनी शुरू हो चुकी है, और जिन लोगों ने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन बाय नहीं किया है तो उनका सब्सक्रिप्शन उनका जो 90 दिन का जो टाइम है वो उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन वो अपना सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, उससे पहले उनका 90 दिन का टाइम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं है, पैकेज आपने खरीदा ही नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक ये कार्ड पेमेंट आपका स्टार्ट नहीं हो जाता हो, जैसे ही कार्ड पेमेंट जो है आपका स्टार्ट होगा तो तुरंत आप अपना पैकेज जो है बाय कर सकते हैं, और उसी दिन से ही आपका जो है टाइम स्टार्ट होगा। सो आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे लास्ट में एस मुफारिस सर ने यही कहा है कि आप सब लोगों की सफलता में ही, आप लोगों की जो है सक्सेस में ही, आपके ब्राइट फ्यूचर में ही जो है मेरी खुशी है यहाँ पे, और हम सब लोग जो है आपके भविष्य के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो
पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है, हमारा जो भविष्य है वो पूरी तरीके से सेफ हाथों में है, यानी कि सुरक्षित हाथों में है, इसलिए हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, और बैक ऑफिस में एक बार जाकर के आप विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पे हमारे एस कुमार सर की पूरी जो समरी है वहां पे ऑलरेडी दी गई है, और वहां पे कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जरूर होंगे जिनको मैं भी जो है पढ़ूंगा, एक बार और डीपली पढ़ूंगा, और कुछ ऐसे पॉइंट जरूर निकलेंगे जिनको एक्सप्लेन करने की अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इसी चैनल पे उन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो नीड टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।